अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी करें और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी आप एक बार टैप कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफाई होता जाएगा। गाइस कैसे हैं आप सभी, अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी A7 एंड जैसे कि आपको पता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, बहुत ही अच्छे पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। एंड मीट मिस्टर जाय, तो ये है हमारा उभरता हुआ मॉडल, तो अभी हम इसका कैप्चर करेंगे अच्छी तरह से। एंड मैं आपको कुछ सेटिंग्स दिखाऊंगा कि कैसे आप पोर्ट्रेट शॉट्स को वेरी वेरी नाइसली कैप्चर कर सकते हैं, सैमसंग गैलेक्सी A7 से हो या फिर कोई भी मोबाइल से जनरली हो। तो पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए क्या सेटिंग्स करना पड़ता है, कैसे लाइटिंग को डिटरमिन करता है, फुल डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आप इजी से, मैं आपको ट्यूटोरियल दूंगा कि सारे लोग भी इजी से कैप्चर कर सकते हैं, अपने किड्स का हो या फिर अपने कोई भी लोगों का हो, पिक्चर्स पोर्ट्रेट्स कैसे कैप्चर करें। तो चलिए देखते हैं सैमसंग गैलेक्सी A7 से या फिर अपने कोई भी मोबाइल से कैसे पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर कर सकते हैं। तो मिस्टर जाय, तैयार है आप पोज देने के लिए? यस। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फ्रेमिंग, तो ऐसे नहीं पकड़ना है। देखिए कैसे यहाँ पर जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा तरह कैसे दिखता है एंड जो बॉडी का इमेज रहता है, बॉडी का रेशियो रहता है वो बहुत ही वेरी वेरी थिन जैसे बन जाता है। तो ऐसे ऑड लुकिंग शेप्स नहीं लाना है। तो इसके वजह से क्या करना है आपको, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत लोग नहीं बोलते हैं ये, तो ये जो कैमरा का लेंस है, ये लेंस एंड इसका जो आँख है, ये दोनों एक्चुअली सिमिलर पोजिशन पर रहना है। तो अपने हाइट के हिसाब से मैं ऐसे पकड़ूंगा तो ये वाला ठीक से नहीं होगा, दिस इज़ नॉट द वे यू कैप्चर पिक्चर्स, ओके। तो आपको ऐसे पकड़ना है, ये वाला इसका कैमरा लेंस और इसका आँख सिमिलर पैरेलल पर रहना है। तो ऐसे रख कर स्ट्रेट रखना है, इसमें भी ऐसे टिल्ट नहीं करना है एंड ऐसे ऐसे करके आप कैप्चर कर सकते हैं, ना कि ऐसे ऐसे, ओके। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद हम ग्रिड लाइंस को यूज़ करेंगे। तो ग्रिड लाइंस कैसे आप एनेबल कर सकते हैं, यूजुअली सेटिंग्स में होता है, यहाँ से आपको ग्रिड लाइंस एनेबल करना पड़ता है। तो 3x3 ग्रिड है तो इसको एनेबल कीजिएगा एंड उसके बाद ये दो ग्रिड लाइंस जहाँ पर मीट होते हैं वहाँ पर आँख रहना चाहिए हमेशा। तो देखिए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दो ग्रिड लाइंस मीट हो रहे हैं यहाँ पर, तो वैसे मैंने फ्रेमिंग लिया है। तो लेने के बाद रेडी जाए स्माइल। तो दिस इज़ द वे यू कैप्चर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, तो ऐसे आपको कैप्चर करना है ना कि कोई भी वियर्ड एंगल से। तो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है, ये तो ऑटो मोड में था, बिल्कुल इसमें कोई एडिशनल फीचर्स नहीं। तो यहाँ पर सैमसंग यूजुअली लाइव फोकस देता है, तो लाइव फोकस के वो यूज़ करके अच्छी तरीके से कैसे कैप्चर कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड ब्लर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो व्हाट दिस मीन्स इज़, देखिए 0 पर रखता हूँ तो बैकग्राउंड भी शार्प है एंड इसका चेहरा भी शार्प है। तो अभी मैंने जैसे ही नंबर्स बढ़ाते जाता हूँ तो देखिए बैकग्राउंड ब्लर कितने अच्छी तरह से होता है। तो ऐसे बैकग्राउंड ब्लर करके एंड अगेन ग्रिड लाइंस को यूज़ करके यहाँ पर पॉइंट आउट करके रेडी जाए डिफरेंट पोज। तो देखिए ऐसे आंखों पर रख के यूज टैप टू फोकस देन क्लिक ए पिक्चर। तो ऐसे आपको प्रोफेशनल की तरह पोर्ट्रेट्स कैप्चर करना पड़ता है। एंड यहाँ पर इसमें सैमसंग गैलेक्सी A7 में इसने क्या किया है, देखिए ब्यूटी मोड पर ये वाला जो स्टार्स का ट्विंकलिंग दिख रहा है ना, इस पर टैप करेंगे तो सारे ब्यूटीफाई फेशियल फीचर्स ऑन हो जाएंगे। लेकिन इसमें आपको पता होगा कि स्किन का फीचर्स, फेस का कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रो लाइटिंग। तो प्रो लाइटिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम टॉप लाइटिंग, फ्रॉम साइड बेस है, राइट साइड बेस है। देखिए जैसे ही मैं टैप करते जाता हूँ कैसे चेंज होगा लाइटिंग। तो ऐसे लाइटिंग कोई भी सिचुएशन, यहाँ तो बहुत शेडोस है, यहाँ पर हाईलाइट्स ज़्यादा नहीं, तो इसके वजह से मैं ये वाला लाइटिंग इसको यूज़ करूँगा, ये वाला लाइटिंग। एंड यहाँ पर टैप करके टैप टू फोकस ऑन आइस नॉट एनीवेयर एल्स देन क्लिक ए पिक्चर। तो ऐसे आपको प्रो लेवल वाला पिक्चर्स कैप्चर करना है। दिस इज़ द वे यू कैप्चर पोर्ट्रेट इमेजेस फ्रॉम एनी मोबाइल कैमरा। तो होपफुली अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट दैट लाइक बटन। सी यू ऑल इन अनदर वन, टिल देन सभी लोग टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।